वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए रिकमेंडेशन वाली वीडियोस लाते रहती हूं। कभी बेस्ट पॉसिबल मॉइस्चराइजर तो कभी बेस्ट पॉसिबल सनस्क्रीन, कभी बेस्ट पॉसिबल फेस वॉशेस तो कभी बेस्ट पॉसिबल टोनर्स। और जनरली मैं ये जो रिकमेंडेशन वाली वीडियोस बनाती हूं वो स्किन टाइप, स्किन कंसर्न और मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाती हूं। लेकिन कभी कभी एक पर्टिकुलर ब्रांड के कौन से प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हैं ये जानना भी हेल्पफुल होता है, स्पेशली तब जब किसी एक ब्रांड पे सेल चल रही हो। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसे होता है, सेल के टाइम पे मैं ये सोचते रहती हूँ कि इस ब्रांड के कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं जो मैं ट्राई कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने अपडेटेड फेवरेट प्रोडक्ट्स सिंगल ब्रांड एक्वालॉजिका के आपके लिए लेके आई हूँ। एक्वालॉजिका के रीसेंट में मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए मिले जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 4 से 5 रिकमेंडेशन देना चाहूंगी कि जब भी एक्वालॉजिका पे कोई सेल चले तो आप इस वीडियो की हेल्प से वो प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हैं। और इन जनरल भी अगर आपको इनमें से किसी प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे पहले फेवरेट प्रोडक्ट से, जिसके बारे में मैं कई बार आपसे बात कर चुकी हूँ। ये है इनका क्लियर प्लस रेंज का फेस वॉश। इसमें आपको ग्रीन टी एंड सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इस फेस वॉश की खास बात यह है कि ना ही तो इसमें कोई एडिड कलर है, ना कोई फ्रेग्रेंस है, और इसमें जो सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत कम है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे अगर आप इसे इनमें एक बार यूज करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो एक्ने की फ्रीक्वेंसी को ये फेस वॉश कम करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें ग्रीन टी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें टी ट्री ज्यादा सूट नहीं करती, लेकिन ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर एक स्किन टाइप, चाहे आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने हो, चाहे आपकी स्किन पे फंगल एक्ने हो, या फिर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो, ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम सभी को बहुत आराम से सूट करता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रॉन है, या फिर आपको टेक्सचर्ड या फिर बम्पी स्किन की प्रॉब्लम है, तो एक सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और जिसके लिए मैं आपको एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस रेंज का सैलिसिलिक एसिड स्मूथी फेस वॉश हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। कोई इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, और हाँ, इसमें आपको स्पेशल वाटर लॉक टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह से ये बहुत जेंटली आपके फेस को क्लीन करता है, पोर्स वगैरह को अनक्लॉग करने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन बिना आपकी स्किन को ड्राई बनाए। दूसरा प्रोडक्ट, या फिर मुझे कहना चाहिए रेंज, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, और ये प्रोडक्ट जब से मुझे रिसीव हुए हैं तब से मैंने यूज कर रही हूँ 2 से 3 बार, जो है एक्वालॉजिका की लिप केयर रेंज। और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये है इनका मास्क, लिप मास्क। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसे मैंने काफी यूज किया है और डेली रात में मैं इस मास्क को अपने लिप्स पे लगा के सोती हूँ। मेरे जो लिप्स हैं वो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ड्राई भी हैं। बचपन से मेरे लिप्स पिगमेंटेड है तो इसलिए पिगमेंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर आपके लिप्स भी ड्राई हो, इवन गर्मियों में भी अगर आपके लिप्स ड्राई रहते हो जैसे कि मेरे रहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये जो लिप मास्क है, इसे लगाने के बाद मॉर्निंग में आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज्ड और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आप, मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैं कहूंगी कि आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। और दूसरे हैं इनके लिप बाम, जिसमें आपको SPF 20 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसमें आपको 2 तरह के लिप बाम मिलते हैं। ये टिंटेड वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे लगाने के बाद आपको हल्का सा टिंट अपने लिप्स पे दिखाई देता है, बहुत हल्का शियर टिंट, पिंक कलर आपको दिखाई देता है। और दूसरा है इनका क्लियर प्लस रेंज का, उसके मैं 2 खत्म कर चुकी हूँ तो इसीलिए वो मेरे पास अभी नहीं है, वो ग्रीन पैकेजिंग में आपको मिलता है। सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें आपको हल्का सा टिंट मिलता है और उसमें आपको कोई टिंट नहीं मिलता, पूरी तरीके से एकदम क्लियर लिप बाम है, वो भी आपके लिप्स को काफी अच्छे टाइम के लिए मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड रखता है। इसके साथ साथ SPF 20 मिलता है, तो इसीलिए हार्मफुल UVA UVB रेस से भी ये लिप बाम आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रिसेंटली मैंने इनका ट्राई किया और जो मुझे पसंद आया वो है इनकी D10+ ड्यूई सनस्क्रीन। ये जो सनस्क्रीन है इसमें आपको चेरी टोमेटो मिलता है और ग्लाइकोलिक एसिड इसमें डाला गया है। ये सनस्क्रीन बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये आपकी स्किन को हार्मफुल UVA UVB रेस से तो प्रोटेक्ट करती ही है। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन पे एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन हो या फिर टैनिंग हो उसे भी दूर करने में ये आपकी हेल्प करती है। मुझे फेस पे टैनिंग नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से सनस्क्रीन लगाते आई हूँ, भी मुझे सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, करीब 3 साल हो गए हैं तो इसलिए मुझे फेस पे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ मेरे हाथ पे मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हाथों के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ कि डेली जैसे मैं फेस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ ना, अभी मुझे आदत नहीं हुई है अपने बॉडी पार्ट्स पे सनस्क्रीन लगाने की डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम थी तो पिछले 8 दिन से याद करके जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ये सनस्क्रीन अपने पूरे के पूरी आर्म्स पे लगाती हूँ, पूरे के पूरे हाथों पे लगाती हूँ और मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा काम इस सनस्क्रीन ने करना शुरू कर दिया है पिगमेंटेशन और टैनिंग को रिमूव करने के लिए। तो इसीलिए ये सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। हैवी नहीं है, ग्रीसी नहीं है, कोई पसीना नहीं आता, इसीलिए आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस सनस्क्रीन को मैं हाथ पे इसलिए यूज़ कर पाती हूँ क्योंकि लगाने के बाद ना ही तो पसीना आता है, ना ही तो ऑयलीनेस होती है, ना ही तो चिपचिप होती है। बहुत सारी सनस्क्रीन के साथ ये सब दिक्कत होती है, उन्हें मैं हाथ पे नहीं लगा पाती। नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोडक्ट एक्वालॉजिका का हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी वो है इनकी मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर वाली रेंज का, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूँगी इनका रेडियंस प्लस जेलो मॉइस्चराइजर। इसकी मैं 2 बॉटल अभी तक फिनिश कर चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अभी खाली हो गई है और ये मेरा पर्सनल एक फेवरेट मॉइस्चराइजर है। इसमें आपको नासिनमाइड एंड वाटरमेलन मिलता है, दोनों ही बहुत ही अमेजिंग गोल्ड लाइक इंग्रेडिएंट है। एक तो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, इसके साथ साथ हर एक स्किन एक्टिव के साथ आप इन्हें लेयर कर सकते हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं कि रेटिनॉल के साथ नहीं लगा सकते, हिलोरानिक एसिड के साथ नहीं लगा सकते या फिर विटामिन सी के साथ नहीं लगा सकते। तो इस सेंस में मुझे मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए पर्टिकुलरली इसने बहुत अच्छे से काम किया। जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और गर्मियों के मौसम के लिए परफेक्ट ऑप्शन आपके पास है। जेल टाइप है लेकिन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है। दूसरा मॉइस्चराइजर वाली रेंज में जो मुझे पसंद है पर्सनली प्रोडक्ट वो है इनका ग्लो प्लस रेंज का जेलो मॉइस्चराइजर। ये मेरी 3rd बॉटल है, इससे पहले मैं ग्लो प्लस रेंज के 2 मॉइस्चराइजर की बॉटल खत्म कर चुकी हूँ और ये 3rd बॉटल है जो अभी मैंने यूज करना शुरू ही किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको येलो कलर का टिंट मिलता है, अगेन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी और इसे लगाने के बाद ना एक अलग से आपकी जो स्किन है ना उसमें येलो ग्लो आ जाता है, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा ग्लोई फिनिश देता है ये आपको इंस्टेंटली, वो भी लगाने के तुरंत बाद ही। बिल्कुल ऑयली नहीं है, चिपचिप नहीं है, स्टिकी नहीं है, अगेन गर्मियों के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको पपाया एक्सट्रैक्ट मिल रहा है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो इसीलिए आप इसे बहुत आराम से डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इवन आप विटामिन सी वाले सीरम के साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं। पपाया एक्सट्रैक्ट एक तो नेचुरली आपकी स्किन पे एक्सफोलिएंट का काम करता है, आपकी स्किन को बहुत जेंटल तरीके से एक्सफोलिएट करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन वगैरह को ख़त्म करने का, फेड करने का काम करता है क्योंकि एक नेचुरल लाइटनिंग स्किन लाइटनिंग एजेंट का काम भी करता है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है इनकी कंपोजिशन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मैंने क्योंकि इन्हें बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किया है तो इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट वाकई में ही काम करते हैं, जो क्लेम करते हैं बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको नायका, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं एक तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं जिससे आपको फ्लैट 20% ऑफ अवेल करने मिल जाएगा और इसके साथ साथ आप इनकी हेल्प करते हैं उन लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराने के लिए जिनके पास फ्रेश वाटर की एक्सेस नहीं है। तो गाइज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जो रिकमेंडेशन वाली वीडियो है एक्वालॉजिका की ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।